अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी अम्मी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार है, जो मेरे मायके में हमेशा बनती रहती है और हम सब की बहुत ही फेवरेट रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। अब हम एक बाउल में 2 कप चने का आटा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट डो लगा लेंगे। थोड़ा सा तेल डालकर आटे को चिकना कर लेंगे और ढककर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच कद्दूकस के बाद सूखा नारियल डालेंगे और लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, उसको भी नारियल के साथ में अच्छे से भून लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से हल्का कलर आने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम उसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल देंगे। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अखा धनिया और 1/2 चम्मच जीरा। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको पीस लेंगे। हम फिर से गैस पर उसी पैन को रखेंगे और 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 2 बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे और हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कच्चापन खत्म होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है। अब हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला है उसको डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से भून लेंगे। हमें इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह हम अच्छे से इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके सेम साइज के 3 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम सूखे आटे में इसको डीप करके इस तरह से बेल लेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। न ज्यादा जाड़ा रखना है, न ज्यादा पतला रखना है, मीडियम साइज का हमको इसे बनाना है। हमने जो मसाला तैयार किया था अब इसके ऊपर डाल देंगे। अब देख सकते हैं हमने इस तरह से सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया है। अब इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे दबाते हुए। अच्छी तरह से इसको दबाते हुए हम सेट कर लेंगे दोनों साइडों से। अब हम छुरी की मदद से इस तरह से इसके पीसेस काट लेंगे। हम देख सकते हैं इसी तरह हमने सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लगाया है। अब हम इसमें सारे पीसेस डाल देंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं हमने सारे पीसेस डाल दिए हैं। हमने यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब उसको ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तड़के में हमने 2 चम्मच तेल डालकर कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज में थोड़ा सा जो हमने फिलिंग तैयार किया था मसाला वो भी डाल सकते हैं। प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मसालेदार वड़ी डालेंगे जो हमने बॉईल किया था। इसे टॉस कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी चने के आटे की मसालेदार वड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।